क्या आपको पता है इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा कामयाब होंगे या फिर एक्सट्रोवर्ट लोग ज्यादा कामयाब होंगे? इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहते, मतलब लोगों से ज्यादा मिलना नहीं घुलना नहीं, वैसे वाले मतलब अपने अपने में खुश हैं। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं। देखो कामयाब होने के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये चॉइस है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा तो जब मैं बात कर ही नहीं सकता। एक्सट्रोवर्ट ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात ही मतलब एक शांत नहीं रह सकता। द थिंग इज दैट इट्स अ चॉइस। सो चॉइस आपकी अगर बदलेगी, ग्रोथ या कामयाब होना वो डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर। तो फोकस ऑन लर्निंग अबाउट न्यू स्किल्स, नॉट कि एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं कामयाब नहीं हूँगा, इंट्रोवर्ट हूँ मैं कामयाब नहीं हूँगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हुआ क्योंकि मेरे को समझ आया कि एक्सट्रोवर्ट होने से मेरी खुद की मैं अपनी मार्केटिंग कर सकता हूँ। अगर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, और बिजनेस की मार्केटिंग करके ही हर बिजनेस ग्रो करता है, और बिजनेस ग्रो करने से आप कामयाब हो जाते हो। तो स्टार्ट लर्निंग स्किल्स और अपनी मार्केटिंग खुद ही करना शुरू कर दो।